नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप लोग देख रहे हैं एसएम स्मार्ट होम डिजाइन। एसएम स्मार्ट होम डिजाइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं छत पे कैसे वाटरप्रूफ केमिकल अप्लाई करते हैं। जो पहले इसको बढ़िया करके क्लीनिंग करना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में 36 इंच का ब्रश देख रहे हैं। ये ब्रश का यूज़ करेंगे, स्पेशली US से मंगाया गया है। और ये 6 इंच का ब्रश है जो कोई भी हार्डवेयर में मिल जाएगा, मगर इसमें आपका काम करने का बहुत दिक्कत होगा। पहले आप बढ़िया करके पानी डाल के बढ़िया करके वॉश कर लीजिए, और इस ब्रश से बढ़िया करके रगड़ रगड़ के पूरा गंदगी निकालें। जी, एक थोड़ा भी गंदगी रहेगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम देता है। जो आप तो मार के चले जाएंगे, मगर कस्टमर को ये प्रॉब्लम बाद में आएगा। वहाँ पर मटेरियल बढ़िया करके ग्रिपनेस करके नहीं बैठेगा और बाद में पानी लीकेज होगा, यही है प्रॉब्लम। अब हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा गलती से स्किप हो गया है, तो आप लोग ये बढ़िया करके देख लें। वाटर वॉश करने के बाद बढ़िया करके हम इस सेम ब्रश से ही प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। आप एक कोट भी मार सकते हैं, चाहे दो कोट भी मार सकते हैं तो बढ़िया होगा। हम बढ़िया करके प्राइमर अप्लाई कर लेंगे। पहले का प्रोसीजर आपको दिखाया, और हम वाटरप्रूफ केमिकल अप्लाई करने के लिए क्या क्या मटेरियल का प्रयोग करना पड़ेगा। हम एशियन का फ्लोर गार्ड एम और प्राइमर में स्मार्ट केयर डैम प्रूफ यूज़ करने वाले हैं। हमारा प्राइमर अप्लाई हो चुका है। अब इसमें हम फर्स्ट कोट कलर अप्लाई करने वाले हैं, जो एशियन का एपेक्स फ्लोर गार्ड है। और ब्रश से आप पहले कॉर्नर पूरा काट लीजिए, ठीक है ना। चाहे तो आप ये ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश हो तो चलेगा, नहीं होगा भी तो चलेगा, और नहीं तो आप रोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बाद का प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट कोट कलर अप्लाई हो चुका है, और इसको हम 4 से 6 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड कोट कलर अप्लाई करेंगे। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, हम ग्रे कलर यूज़ किए हैं। ग्रे कलर यूज़ करने का कारण यही है, जो सूरज का जो रोशनी होता है, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये टेम्परेचर को पूरा पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके लिए नीचे वाला जो घर है वो ठंडा रहता है, और आपका एयर क्रैक नहीं आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ग्रे कलर मारें तो ये आपका घर ज़्यादा हीट नहीं होगा। अब हम सेकंड कोट कलर अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम। पहले आप कलर को बढ़िया करके डाल लीजिए, रोलर को एक स्टिक में लगा लीजिए, लगा के आप यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे आप रूलर लेके झुक के काम करेंगे तो आपका कमर में दर्द होने लगेगा। तो आप, ये मेरा जुगाड़ है ये, तो आप ऐसे जुगाड़ लगा लीजिए तो काम करने का भी इजी होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दोस्तों, हमारा वाटरप्रूफिंग का काम ख़त्म हो चुका है। आप भी ठीक ऐसे ही सेम प्रोसीजर में काम कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी दिक्कत आए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिए, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई भी न्यू वीडियो में हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।